रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का गिरा फॉल सीलिंग, बड़ा हादसा टला। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर मध्य प्रदेश के रीवा से आ रही है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा के घटिया निर्माण की पोल फॉल सीलिंग गिरने के साथ ही खुल गई। निर्माण एजेंसी द्वारा कराए गए गुणवत्ता विहीन कार्य के चलते पहले भी कई बार फॉल सीलिंग गिर चुकी है, लेकिन इस बार ओपीडी की पूरी फॉल सीलिंग भरभराकर जमीन पर आ गई। गरिमत रही कि यह हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई सुपर स्पेशलिटी के कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अस्पताल बनने के कुछ साल के भीतर लगातार 3 बार फॉल सीलिंग की छत गिर चुकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। गनीमत रही कि उस समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। ओपीडी की फॉल सीलिंग सुबह 4 बजे गिरी है। यही अगर सुबह 8 से 12 के टाइम पर गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इस टाइम वहां हजारों लोग मौजूद रहते हैं। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज परिसर में अक्टूबर 2019 में 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार हुई थी, लेकिन उसके 2 साल बाद ही फॉल सीलिंग गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेज डीन ने भी निर्माण एजेंसी की लापरवाही माना है और उन पर कार्यवाही करने, पत्राचार करने की बात कह रहे हैं। हमारा आउटडोर का एरिया है, वहाँ काफ़ी बड़े स्केल पर फॉल सीलिंग गिर गई है, तो हम लोगों ने इसका निर्माण एजेंसी जो थी HSCC थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अधिकृत किया था, तो उनको हम दिशा निर्देश पूर्व में भी दे चुके हैं। ये पूरे इस बिल्डिंग में केवल यही एक समस्या हमेशा रही है कि फॉल सीलिंग बीच बीच में थोड़े थोड़े लेवल पे गिरती रही है, और उनको बताया जाएगा। तो बेसिक पिछली बार भी ये कहा गया था कि बेसिक फॉल्ट जो है उनकी जो प्लेट्स है उसमें, जो उन लोगों ने जो फ्रेम बनाई है उसमें ही वो गड़बड़ी है, तो उनको पूर्व में भी इसका जो है सूचना है, और ये भी हम इसको अभी सूचित कर रहे हैं कि इमिडिएटली इसको रिपेयर किया जाए। निर्माण एजेंसी जो है, जिनके सुपरविजन जो HSCC है, हम लोगों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अधिकृत, वही इसका संधारण करती है, और उन्हीं के डायरेक्शन में बिल्डिंग सेक्शन देखते हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।